तीसरा सवाल है कि मैंने सुना है कि आपने भी कोटा से नीट की तैयारी की थी, तो आप कब आए थे कोटा में नीट की तैयारी के लिए और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोटा का? हाँ, मैं कोटा आया था और मैं 3 दिन रुका और फिर मैं वापस चला गया, राइट? और कहानी ऐसी है कि मैं 10th में जिसको कहते हैं कि ठीक ठाक पढ़ाई करता था, तो उस जमाने में 1999 में मेरी 84% आई थी सरकारी स्कूल में पढ़ के। आज यहाँ शायद एवरेज ही 99 होगा यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनका, अगर परसेंटेज वाइज, पर उस जमाने में काफी अच्छे परसेंटेज थे। तो गांव में जो भी आता था मिलने बधाई देने तो आते थे, आसपास के 3-4 गांव के लोग आ गए थे, धीरे धीरे किश्तों में मिलते थे। हर कोई कहता था कि मैथ्स ले लो, होशियार हो तो, या बायोलॉजी ले लो या मैथ्स ले लो। तो बहुत कंफ्यूज किया 10-15 दिन तक। फिर जब एक्चुअल में सब्जेक्ट तो राजस्थान बोर्ड में या तो मैथ्स ले सकते थे या बायोलॉजी ले सकते थे, तो कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो फिर मैंने भगवान के सामने एक अगरबत्ती जला के एक सिक्का लिया, हेड आया तो बायोलॉजी लूंगा, टेल आया तो मैथ्स, ऐसा करके उसको किया। उसमें हेड आ गया तो बायोलॉजी ले ली। फिर 2 साल पढ़ के फिर 12th में फिर 84% आई। फिर किसी ने समझाया कि इतने नंबर आते हैं वो तो डॉक्टर बनते हैं, तो फिर आगे क्वेरी करी तो उसके लिए क्या करना, बोले कोटा में जाना होता है, वहां डॉक्टर बनते हैं। इतना ही ज्ञान था। फिर और सर्च किया तो टेस्ट सीरीज, वो एडमिशन के लिए एक टेस्ट होता है, वो दिया और यहाँ कोई बैच अलॉट हो गया, मैं आ भी गया। घर वालों ने मना किया कि मत जाओ, कभी बाहर नहीं निकले हो अपने गांव से भी, कोटा कैसे रहोगे, जिद थी। आ गया और पहली क्लास ली तो वो फोटोन वाला चैप्टर है ना फिजिक्स में, वो पढ़ाया जा रहा था। मैं बहुत पीछे बैठा था, जैसे वो पीछे वाले भाई साहब बैठे हैं वैसे। हाँ, तो मुझे लगा बस यही है, अगर ये समझ में आ जाए तो पीएमटी हो सकती है। तो मैंने 2-3 दिन कोशिश करी, मन नहीं लगा, पहली बार बाहर निकला था। घर पे फोन किया, उन्होंने फिर समझाया पिताजी ने, फिर माताजी को कहा कि पिताजी तो नहीं समझ रहे, आप समझो। वो थोड़ी समझ गई, उन्होंने बुला लिया, तो मैं यहां से चला गया, फिर वापस आया नहीं। और फिर घर पे रखे तैयारी करी, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ और सेकंड अटेम्प्ट में मुझे SMS मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग से मिल गया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगेन मैं कहूंगा, आपकी कहानी इससे बिल्कुल अलग है, आप जितने लोग बैठे हो सबकी कहानी बिल्कुल अलग है। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ एक ही कहना है कि कुछ भी हो जाए, अगर आपने ये लक्ष्य बना लिया है कि मुझे एक तरफ जाना है, तो कोई भी विपदा आए, अटेम्प्ट तो खत्म नहीं होते ना कभी भी। तो आप अगर आपने ठान ही लिया कि बनना है, तो मेरी तरह जैसे मैं तो ये रखता था कि एक कोई जैसे टेस्ट सीरीज देने जाते थे जयपुर, तो किसी ने बताया कि एक भैया 7 अटेम्प्ट में पास हुए, तो वो मेरे रोल मॉडल थे कि 7 अटेम्प्ट से तो कम में पास कर लूंगा।